नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस क्लास में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट करते हैं। 30 क्वेश्चन डेली करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। अभी जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो वर्णमाला के टॉपिक के चल रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट इसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। वर्णमाला के बाद फिर कोई नया हिंदी का टॉपिक लेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इस प्रकार से हिंदी के जो 38 से 40 टोटल प्रैक्टिस सेट हैं, जिनमें हिंदी साहित्य, हिंदी वोकैब और हिंदी ग्रामर, काव्य और जो सामान्य प्रकरण के टॉपिक हैं, सभी प्रकार के टॉपिक के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, सभी के क्वेश्चन करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट हैं इनसे एक भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल, SI, UP SSSC या जो पैट का एग्जाम है उससे बाहर जाने वाला नहीं है। चाहे यूपी का कैसा भी एग्जाम हो या SSC GD का एग्जाम हो, हर उस एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, इन्हीं प्रैक्टिस सेट से सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण पूछ रहा है कौन सा है। तो अघोष वर्ण होते क्या है? जो तारत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन है, तारत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन दो भागों में करा गया है। एक तो घोष वर्ण या संघोष के नाम से जानते हैं और नंबर दो अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, अब जो स्पर्श व्यंजन मैंने तुम्हें कराए थे, स्पर्श व्यंजन में जो पांच वर्गों में विभाजित हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, पांच वर्गों में स्पर्श व्यंजन विभाजित हैं, जिनमें कै वर्ग के कौन कौन से हैं, कै आ जाएगा, उसके बाद चै वर्ग के वर्ण है 5, उसके बाद टै वर्ग, उसके बाद टै वर्ग, और उसके बाद है पै वर्ग। पै वर्ग के कौन कौन से हो जाएंगे? पै वर्ग के ये 5 वर्ण हो जाएंगे। और मै वर्ग, ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और इन 25 स्पर्श व्यंजन में जो पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं ये तो हो जाएंगे क्या? अघोष वर्ण। ये तो अघोष वर्ण हो जाएंगे और जो इन 3 नंबर पाएंगे बाद वालों पे ये क्या हो जाएंगे? ये संघोष हो जाएंगे, संघोष या घोष वर्ण हो जाएंगे। तो इसमें चेक कर लेंगे कौन से इन दो पे हैं। ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, आप तभी कर सकते हैं कि कौन सा अघोष है या कौन सा संघोष है। तो देखो जो जय वर्ण है, ये जय किस में आ रहा है? जय वर्ण चेक कर लो, तीसरे नंबर पर आ रहा है और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएंगे? तीसरे नंबर वाले संघोष हो जाएंगे, तो जय तो नहीं है। इसके बाद सै और है का क्या है और स्वर व्यंजनों का, इनके लिए तुम्हें क्या याद रखना है? जितने भी स्वर व्यंजन होते हैं ये सभी, अगर महाप्राण और अल्पप्राण की बात करें तो ये अल्प प्राण होते हैं और क्या होते हैं? ये संघोष होते हैं, तो ये भी नहीं आने के। उसके बाद व्यंजन वर्णों में जो स्पर्श, इसमें ऊष्म व्यंजन दे रखे हैं दो, तो व्यंजन वर्णों में जो ऊष्म और व्यंजन है, ऊष्म और अंतस्थ हैं, अंतस्थ में कौन कौन से आ जाएंगे? ये रे ले वे, और उसमें कौन से हो जाएंगे? से, और ये तीनों से हो जाएंगे और है हो जाएगा। अब इसमें ये वाला क्या होता है? संघोष होता है और ये बाकी तीनों क्या होते हैं? अघोष होते हैं, ये अघोष होते हैं, ये तीनों अघोष होते हैं।
और ये क्या होते हैं, अगर अल्पप्राण महाप्राण की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण, ये हो जाएंगे महाप्राण। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं से इसी पे बेस होंगे, महाप्राण हो जाएंगे और ये सारे क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण, ये अल्पप्राण हो जाएंगे। और उसके बाद अघोष सघोष की बात करें तो क्या हो जाएंगे, संघोष हो जाएंगे, सघोष वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बुझा कि अघोष वर्ण कौन सा है और अघोष कौन से हैं, जो तीनों स हैं ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं, तो स क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। है कौन सा है संघोष वर्ण होता है तो ये भी नहीं होने का, और ए क्या हो जाएगा, ए भी संघोष होता है, ए क्या हो जाएगा, संघोष वर्ण होता है। सारे जो स्वर हैं वो क्या होते हैं, अल्पप्राण और संघोष होते हैं, याद रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो स्पर्श व्यंजन है 25, इनमें कौन से तो अघोष हैं और कौन से सघोष हैं। जो पहले और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, अघोष, और बाकी जो तीन नंबर पर आ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, संघोष हो जाएंगे। और इनमें ये जो ऊष्म व्यंजन है ये क्या हो जाएंगे, संघोष, और जो अंतस्थ व्यंजन है ये क्या, जो ऊष्म व्यंजन है इनमें जो है ये तो संघोष हो जाएगा, और बाकी जो तीन है ये अघोष हो जाएंगे, और जो अंतस्थ व्यंजन है चार ये भी सारे क्या हो जाएंगे, संघोष हो जाएंगे। तो इसमें आप छाट लेंगे, इसमें स दे रखा और स क्या है, ऊष्म व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन में जो स्टार्टिंग के तीन है ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं, अघोष वर्ण पूछ रहा है, तो स क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है, संघोष है भी संघोष है, स्वर सारे संघोष, और जय तीसरे नंबर पर आ रहा है ये भी संघोष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्न में से कौन सा व्यंजन पासर्विक है, पासर्विक व्यंजन कौन सा है, ले, ले जो है ये पासर्विक व्यंजन होता है। ले कैसा व्यंजन होता है, पासर्विक व्यंजन होता है। पासर्विक क्या होता है, जिनके उच्चारण के लिए जीव, जिनके उच्चारण के समय जीव वत्सर्य पर टच करती है, वत्सर्य, वत्सर्य पर टच करती है, और जो हवा है उच्चारण के समय हवा जीव के दोनों, जीव के दोनों पार्श्वों से निकलती है, जीव के दोनों पार्श्वों से निकलती है, जीव के दोनों पार्श्वों से निकलती है। तो ऐसा वर्ण क्या है, ले वर्ण है। ले कैसा है, पार्श्विक वर्ण होता है। अगर यह पूछता है यह कैसा वर्ण है तो क्या कहेंगे, यह अंतस्थ वर्ण है। उच्चारण के आधार पर यह कैसा है, अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण, और वर्ण में क्या है, व्यंजन वर्ण है। और स क्या है, स को क्या कह देंगे, स ऊष्म व्यंजन है। स कैसा व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। स कैसा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, याद रहेगी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है सभी। तो क तो स्पर्श के अंदर नहीं आता, र आता है ना, ल आता है ना, स्पर्श व्यंजन कौन से, स्पर्श पूछ रहा है। तो स्पर्श में कौन कौन से हो जाएंगे, जो उन 25 वर्णों में बताए थे मैंने तुम्हें अभी। अब इसमें देखो र कौन सा है, र तो अंतस्थ वर्ण में पहुंच जाएगा, तो ये तो नहीं होने का, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है किसमें है, ऊष्म व्यंजन में, ये भी नहीं होने का। यह और इसमें स आ गया, स ऊष्म व्यंजन होता है, तो ये भी स्पर्श नहीं है। इसके बाद देखेंगे, इसमें देखो है आ गया, है ऊष्म भी होता है, स ऊष्म होता है, र अंतस्थ होता है, ये भी नहीं होने का। तो कौन सा हो जाएगा, क च प और द, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क क्या है, क वर्ग का, ये च वर्ग का, ये प वर्ग का, और ये टै वर्ग का, टैट है दैध है, ये टै वर्ग का है। और इन पांच वर्गों के जो व्यंजन है वे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था। जो स्पर्श व्यंजन है ये कुल कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। और अगर मूल स्पर्श व्यंजन की बात करें, मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल स्पर्श व्यंजन 16 होते हैं, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो उत्क्षिप्त दे रखा है, उसके बाद पार्श्विक दे रखा है, उसके बाद संघोष दे रखा है, उसके बाद ऊष्म दे रखा है। तो कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, उत्क्षिप्त आ जाएगा। कौन सा नहीं है, उत्क्षिप्त नहीं है।
उत्क्षिप्त कौन कौन से होते हैं? डह और ढह। ये क्या होते हैं? ये दो वर्ण होते हैं जो उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। ये दो। उसके बाद जो पार्श्विक हमने अभी पढ़ा, पार्श्विक कौन सा है? लय वर्ण पार्श्विक वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? जो तीनों सह वर्ण है, जो तीनों सह वर्ण है और है वर्ण है हल, ये क्या आ जाएंगे? ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे, तीनों सह और है वर्ण। इनका क्रम भी यही होता है, सेम क्रम भी इनका याद रखना यही होता है। उच्चारण के आधार पर ये इसको क्या बोलते हैं? इसको तालव्य बोलते हैं। और ये वाला जो वर्ण है ये क्या कहलाता है? ये मूर्धन्य कहलाता है, मूर्धन्य। और अगर ये पूछ ले ये वाला वर्ण तो ये दंतीय वर्ण कहलाता है, याद रहेगा। इसके बाद संघोष पूछता है अगर, तो स्पर्श व्यंजनों में संघोष कौन से हो जाएंगे? तीन चार और पांच नंबर पे जो आते हैं वे क्या हो जाएंगे? संघोष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों सह दिए हुए हैं और है वर्ण दे रखा है, पूछ रहा है कि कौन से व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि ये किस प्रकार के व्यंजन वर्ण है? प्रकंपित व्यंजन है या स्पर्शी व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है या ऊष्म संघर्षी व्यंजन है? तो ये क्या जाएंगे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है क्या? सह। तो सह क्या हो जाएंगे? ऊष्म होता है, इसमें से संघर्षी काट लो भैया, ये क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो तीनों सह और है होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं क्योंकि इनसे ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजन हिंदी में चार होते हैं। स्पर्शी व्यंजन पूछ रहा है अगर, तो ये कहेगा स्पर्श प्लस संघर्षी, स्पर्श प्लस संघर्षी होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। स्पर्श प्लस संघर्षी या स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? तो चार होते हैं, जो चै वर्ग के स्टार्टिंग के चार होते हैं, इया से अलग। प्रकंपित व्यंजन पूछ ले तो दो होते हैं प्रकंपित व्यंजन, जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया था, ड और ड, ये प्रकंपित व्यंजन होते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन पूछता है तो पांच होते हैं, जो वर्गीय व्यंजन हमने अभी पढ़े थे, वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं जी, ठीक है, याद रहेगी बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। इसमें ऑप्शन में दे रखा था व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं या अक्षर कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। देखो कैसे, जैसे तय वर्ण लिखा हुआ है और तय वर्ण जो तय वर्ण लिखा हुआ है इस प्रकार, जब हम इसका उच्चारण करेंगे, जब हम इसका खंडन करेंगे तो ये इस प्रकार से विभाजित हो जाएगा। तो ये जो एक से अधिक वर्णों का मेल है, इसमें ये वाले जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? ये वर्ण, ये वाला जो इकाई है ये वर्ण कहलाता है, और ये वाली जो इकाई है ये क्या कहलाती है? ये अक्षर कहलाती है। तो एक से अधिक वर्णों का जो मेल है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है का व्यंजन वर्ण है, व्यंजन और ये क्या है? व्यंजन और ये क्या है? स्वर है। तो इस प्रकार से इनका जो मेल है ये क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। तो एक से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अगर स्वर पूछता है तो स्वर कितने होते हैं कह देना? 11 होते हैं। यदि इनमें अयोगवा भी जोड़ दें तो फिर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। अयोगवा कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। व्यंजन अगर पूछ ले कुल व्यंजन कितने होते हैं, पिछली क्लास में भी मैंने तुम्हें बताया था कुल 39 होते हैं और मूल कितने होते हैं? 33 होते हैं। अनुस्वार क्या होता है? जो मैंने तुम्हें अभी बताया ये वाला वर्ण, जिसे हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, याद रहेगा, सिरो रेखा के ऊपर शब्द में प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? दंतीय और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दंतीय और जीभ के स्पर्श से, यानी कि जिनके उच्चारण के समय जीभ का और दांत का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाते हैं? कि मूर्धन्य कहलाते हैं क्या? दांत कहलाते हैं, दांत नहीं है ये, यहाँ दंतीय शब्द है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत टाइप हो गया है, दंतीय शब्द है, दंतीय। तो क्या कहलाते हैं? दंतीय, दंतीय कहलाते हैं जिनके उच्चारण में जीभ और दांत का, दंत या और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण दंतीय कहलाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि जो दंतीय कौन से? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तय वर्ग वाले जो है, त
तय थय दय धय धय इनमें जीभ का और दांत का प्रयोग होता है। तय वर्ग वाले सारे क्या होते हैं? दंत्य होते हैं। तय वर्ग वाले सभी दंत्य वर्ण होते हैं, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? छह भी संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि छह किस किस के मेल से बनता है? क और स के मेल से बनता है। क और स के मेल से बनता है। क्या किस किस के मेल से बनता है? ज और य के मेल से बनता है। यह ज्ञानी, याद रहेगा। इसके बाद त्र किस किस के मेल से बनता है? त और तय और रे के मेल से बनता है। त्रय, हालांकि इस ये परंपरा है, लेकिन इसकी शुद्धवर्तनी ये होती है भैया, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, बाकी तीनों संयुक्त व्यंजन है और यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? जो मैंने तुम्हें अभी स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे, उनमें जो दूसरा एक दो तीन चार और पांच थे, तो पूछा क्या कहलाता है। अगर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण तो दो और चार होते हैं, क्योंकि एक तीन और पांच क्या होते हैं? अल्पप्राण, अल्पप्राण होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था, उसमें 25 वर्ण होते हैं, पांच वर्गों में भाजते हैं, हर वर्ग में पांच वर्ण होते हैं। तो पहले दूसरे तीसरे और चौथे और पांचवें कॉलम में जो होते हैं, उनमें जो पहला तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं, दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण वर्ण होते हैं, ये महाप्राण होते हैं, ठीक है भाई। तो ये पूछ रहा है दूसरा और चौथा, दूसरे और चौथे पे पूछ रहा है, दूसरे और चौथे के महाप्राण होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं, तो क्या ये सही हो जाएगा? क्योंकि अल्पप्राण कौन से होंगे? अल्पप्राण तो एक तीन पांच हो जाएंगे, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन तो कौन से होते हैं? दो होते हैं, जो डे और ढह है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। अनुनासिक कौन से होते हैं? जो चंद्रबिंदु और अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अनुनासिक और अनुनासिक में उन्हें विभाजित कर दिया गया है, चंद्रबिंदु वाले अनुनासिक और अनुस्वार वाले अनुनासिक, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है मूर्धा कंठ तालु दंत्य। पहले ये देखेंगे, अगर किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ लिया है तो सबसे पहले ये देखो वो किस वर्ग में आता है। तो किस वर्ग में आता है? घ। क वर्ग में आता है क ख घ ङ, और क वर्ग वाले सारे क्या है? कंठे हैं। तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठे हो जाएगा, क्योंकि क वर्ग वाले सारे कंठे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कंठे हो जाएगा। दंत्य कौन से हो जाएंगे? तय वर्ग वाले। तय वर्ग वाले क्या हो जाएंगे? दंत्य हो जाएंगे। और तालु क्या हो जाएंगे? च वर्ग वाले क्या हो जाएंगे? तालु हो जाएंगे। और टय वर्ग वाले क्या हो जाएंगे? सारे मूर्धा हो जाएंगे, याद रहेगा भाई। जिनके उच्चारण के लिए कंठ से गले से ध्वनि निकलती है, जिनके उच्चारण के लिए जीभ दांत के मूल में टच करती है, जिनके उच्चारण के लिए जीभ तालु पे टच करती है, जिनके उच्चारण के लिए जीभ मूर्धा यानी तालु पे टच करने के बाद मुड़ जाती है, वो मूर्धा। तालु कौन सा भाग है? जीभ उपले जो ऊपरी जबड़ा होता है, इसके से जो ऊपर भाग अंदर की तरफ निकला रहता है वो तालु होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्णों के समुदाय को क्या कहा क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समूह को या समुदाय को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो कह देना वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समुदाय को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वनाम क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछ ले, ये भी ध्यान कर लो, तो सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अभी हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, सर्वनाम टॉपिक के भी क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट में, और संज्ञा के भी, क्रिया के भी, हर टॉपिक के इसी प्रकार तीन चार प्रैक्टिस सेट करेंगे। हर टॉपिक के लगभग 80 से 100 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताए थे, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लेंगे पिछले प्रैक्टिस सेट को। तो पिछले जो प्रैक्टिस सेट नंबर एक था उसमें मैंने तुम्हें बताए थे संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर चार होते हैं। तो उनमें कौन कौन से थे? ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये नहीं था। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये दीर्घ स्वर होता है, ये संयुक्त स्वर में काउंट
नहीं होने का, किस में होएगा, दीर्घ स्वर में होएगा। ये संयुक्त स्वर था, किस किस के मेल से इसका निर्माण होता है, ए प्लस ई से, और इसका निर्माण किस किस के मेल से होएगा, ए प्लस ए से, और इसका निर्माण ए प्लस ऊ से, ठीक है। ये तीनों संयुक्त स्वर है, एक संयुक्त स्वर और होता है चौथा, कौन सा, आओ बड़ा दीर्घ ओ, इसका निर्माण कैसे होता है, ए प्लस ओ से। तो ये याद रखना है, चार संयुक्त स्वर होते हैं, ये दीर्घ स्वर है, केवल दीर्घ स्वर में आ जाता है ऊ। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तीन होते हैं, एक तो बड़ा ऊ, इसके बाद बड़ी ई और बड़ा आ, ये दो, ये और एक ये क्या होते हैं, कुल केवल दीर्घ स्वर होते हैं तीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन बोझ रहा, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए जीवा अंदर स्थित हो जाती है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ये रे ले वे, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। अगर इनकी बात करें चारों की, तो ये कैसे व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, कैसे व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। और ये कैसे व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, कैसे व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। पिछली क्वेश्चन में मैं तुम्हें बता चुका कि किस किस के मेल से होता है, छह त्रय ग्यारह का मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका, और इसका निर्माण कैसे होता है, स और र के मेल से होता है, स और र के मेल से होता है, किसका, श्रेय का, याद रहेगा। चै छ ज झ, ये च वर्ग वाले हैं, कैसे हैं, च वर्ग वाले हैं, क्या कहलाते हैं, ऊष्म प्लस संघर्षी वर्ण कहलाते हैं, याद रहेगा, तालु वर्ण है सारे के सारे, डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ये कह रहा है स्वर कहलाती है, वर्ण कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, या अयोगवा कहलाती है, तो क्या लिख देंगे, वर्ण कहलाते हैं, शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, क्योंकि वर्ण में क्या आएंगे, स्वर प्लस व्यंजन दोनों ही आ जाएंगे, और कोई भी शब्द है वो स्वर और व्यंजन के व्यवस्थित प्रयोग से ही बनता है, याद रहेगा। स्वर कितने हैं, 11, अयोगवा जोड़ दें तो 13 हो जाएंगे, अयोगवा कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। व्यंजन कितने हैं, 39, बार बार मैं ये बात बताता हूं, याद हो जानी चाहिए अब तो आपके, और अयोगवा कितने हैं, दो हैं, जो ये दो हमने अभी पढ़े, ये क्या है, अयोगवा है, कि अनुस्वार और विसर्ग कितने होते हैं, संख्या में दो होते हैं, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, अल्पप्राण जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में तुम्हें बताए थे, अल्पप्राण में कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5 अल्पप्राण हो जाते हैं, देख लो है कौन से नंबर पा रहा है, 2 पा रहा है, तो ये तो अल्पप्राण नहीं होने का, ये तो क्या हो जाएगा, महाप्राण। गय कौन से पा रहा है, 3 नंबर पा रहा है, क ख गय, क ख ग, क वर्ग के तीसरे स्थान पर रहा है, तो गय क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। ख क्या हो जाएगा, ख महाप्राण वर्ण है, कैसा, महाप्राण वर्ण है, और घ कैसा वर्ण है, क ख ग घ, चौथे नंबर पर आ, दूसरे और चौथे दोनों महाप्राण हो जाते हैं। है कौन से नंबर पर आ, ट ठ, दूसरे नंबर पर आ, दूसरे नंबर वाले महाप्राण, और ग अल्पप्राण, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कह, क्या कहते हैं, जो लिपि चिन्ह है, देखो केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, लिपि चिन्ह का मतलब क्या है, कि जो कोई भी भाषा है उसकी अपनी लिपि होती है, लिपि में लिखा जाता है, जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। हिंदी भाषा की जो लिपि है, भाषा हिंदी, और लिपि कौन सी है, लिपि कौन सी है, देवनागरी। जिस लिपि में हम हिंदी भाषा को लिखते हैं वो कौन सी है, देवनागरी है। तो कोई भी भाषा है उसकी अपनी लिपि होती है, तो ये लिपि में हम देवनागरी, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखने के लिए किस चिन्हों का प्रयोग करते हैं, स्वर और व्यंजन का, तो कहने का मतलब यह है वर्णों का। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, याद रखना, ठीक है भाई, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, 52, अगर कुल वर्ण पूछ ले तो कह देना 52 है, अगर मूल वर्ण पूछ ले तो कितने होते हैं, मूल वर्ण 46 होते हैं, लेकिन आयोग ने कितना मानना है, 44 मानना है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसने कितना मानना है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितना मानना है, 44 मानना है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितना मानना है,
44 मन्ना याद रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर पूछ रहा है कौन से हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखो इसमें तो ये संयुक्त स्वर नहीं होता इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद जो दे रखा है हासो ए भी संयुक्त स्वर नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, आ आ संयुक्त स्वर नहीं होता, दीर्घ स्वर होता है। इसमें ए आए ओ आओ, ये चारों क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। कई बार पिछले प्रैक्टिस सेट में भी और इसमें भी एक दो बार इनका जिक्र हो चुका है, ये चारों संयुक्त स्वर होते हैं। किस किस के मेल से बनते हैं ये भी मैं बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो स्वर ध्वनि के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, दीर्घ प्लुत और ह्रस्व। तो ये तीनों ही स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, क्योंकि देखो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी शायद ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, मात्राओं के आधार पर, वैसे तो स्वरों का 7 आधार पर विभाजन करा गया है, लेकिन मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर जो स्वरों का विभाजन है, स्वरों का विभाजन वो कितना है, 3 भागों में विभाजित है। मात्राओं के आधार पर स्वर 3 भागों में विभाजित है, जिनमें कौन कौन से हैं, जिनमें एक ह्रस्व स्वर है जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, नंबर 2 दीर्घ स्वर है जो ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है, और नंबर 3 प्लुत जो बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। प्लुत कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, छोटा ए, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, ये ह्रस्व स्वर में आ जाएंगे। दीर्घ स्वर में कितने आ जाएंगे, कुल 7 आ जाएंगे। इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। 7 कौन कौन से, बड़ा ए, बड़ी ई, बड़ा ए, बड़ी ई, बड़ा ए या बड़ा आ कह सकते हो, ठीक है भाई, बड़ा ए, बड़ी ई, बड़ा उ, और जो चारों संयुक्त हैं, जो संयुक्त स्वर है ए आए ओ आओ, ये चारों संयुक्त स्वर। और प्लुत में प्लुत की संख्या कितनी होती है, प्लुत की संख्या अगर आपसे पूछ रहे तो कह देना अनिश्चित होती है, अनिश्चित, प्लुत की संख्या निश्चित नहीं होती। इसमें 3 मात्रा वाले स्वर आते हैं, जैसे राम है, ओम है, ये वाले। तो केवल दीर्घ स्वर अगर पूछ ले तो ये 3 होते हैं, केवल दीर्घ स्वर अगर पूछ ले तो कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, कौन से, ये वाले तीनों। और संयुक्त स्वर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर हो जाएंगे, संयुक्त स्वर, ठीक है भाई, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, ये ब है यहाँ, बिना किसी की सहायता से होता है। तो क्या हो जाएगा, बिना किसी की सहायता के होता है, क्योंकि स्वर जो है एक स्वतंत्र ध्वनि है और स्वरों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यंजन परतंत्र ध्वनि होती है और स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वर किसका भेद है, संधि, समास, वर्ण और लिंग। तो स्वर किसका भेद है, वर्ण का भेद होता है, क्योंकि वर्ण 2 भागों में विभाजित होते हैं, नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण, नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। तो इस प्रकार से स्वर किसका भेद है, वर्णों का भेद है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लुत स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर पूछ रहा है, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लुत स्वर कौन सा है ये पूछ रहा है, तो प्लुत स्वर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ओम, क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। तो ये प्लुत स्वर होता है, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, गलत स्वर हो जाएंगे। प्लुत स्वर कौन से होते हैं, जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है, यानी कि जो त्रिमात्रिक होते हैं, जो त्रिमात्रिक होते हैं वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, त्रिमात्रिक। संख्या अनिश्चित होती है भैया हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक, क्योंकि ह्रस्व स्वर मात्राओं के आधार, मैंने तुम्हें बताया स्वर 3 भागों में विभाजित है, जो ह्रस्व स्वर है उनमें 1 मात्रा का समय लगता है, जो दीर्घ स्वर है उनमें 2 मात्रा का समय लगता है, और जो प्लुत स्वर है उनमें 3 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। तो दीर्घ से अधिक समय किसमें लगेगा, प्लुत स्वर के उच्चारण में लगेगा, कितना, 3 मात्रा का, 3 मात्राओं का,
तीन मात्राओं का समय लगता है, या कह सकते हैं या हास्य स्वरों से तीन गुना, हास्य स्वरों से तीन गुना समय लगता है। ठीक है भाई, याद रहेगी बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 हो गए, क्वेश्चन नंबर 23। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हास्य से दो गुना समय लगता है उनको कहते हैं। ये पहले तो पूछ लिया कि दीर्घ से अधिक समय किसमें लगता है, तो प्लुत में लगता है, यानी कि तीन मात्रा वाला। इसने पूछ लिया दो मात्रा का समय, तो दो मात्रा का समय अभी मैंने तुम्हें बताया था, यानी हास्य से दो गुना समय लगता है। किसमें लगेगा? दीर्घ स्वर में लगता है, और दीर्घ स्वर को ही क्या बोलते हैं? गुरु स्वर बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह है प्लुत स्वर, यह तो प्लुत है, प्लुत, और प्लुत तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि प्लुत में तो तीन मात्रा का समय लगता है। ये मूल है या लघु? लघु मूल स्वर तो मात्राओं के आधार पर विभाजित नहीं है, लघु स्वर है, लघु या हस्व स्वर। तो इसमें एक मात्रा का, इनमें तीन मात्रा का, इसमें दो मात्रा का, या हस्व से दो गुना समय लगता है, इसमें गुरु स्वर में। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य वर्ण पूछ रहा है, कौन नहीं है? मैं, बे, ऊ, आ, तो नहीं है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आ आ जाएगा, आ ओष्ठ्य। देखो ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं? ओष्ठ्य वर्ण होते हैं जिनमें प वर्ग वाले सारे ओष्ठ्य होते हैं। तो प में कौन कौन से आ जाएंगे? प, भै भी, प, भै, प, भै, भै, भै आ जाएगा, भै आ जाएगा, और मैं आ जाएगा नासिक के वर्ण में, और इस उप में ऊ भी आ जाएगा। ऊ भी क्या होएगा? ओष्ठ्य होता है। तो ब, मैं और ऊ ओष्ठ्य है, आ ओष्ठ्य नहीं है। आ कैसा है? आ कंठ्य है। आ कैसा वर्ण है? उच्चारण स्थान के आधार पर आ कंठ्य वर्ण है, कंठ्य वर्ण, याद रहेगी बात, आ कंठ्य वर्ण होता भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? अगर इन चारों की बात करें तो इनमें कंठ्य वर्ण का हो जाएगा ए हो जाएगा, हसु ए, ये कंठ्य वर्ण होता है। अगर ई की बात करें तो ई क्या हो जाएगा? ई कैसा हो जाएगा? ई बताओ कैसा हो जाएगा? ई कैसा हो जाएगा? तालु वर्ण हो जाएगा, तालु। ये कैसे होता है? तालु। दोनों ई क्या होते हैं? तालु होते हैं। ये भी तालु है, ये भी तालु है। ठीक है भाई, याद रहेगी बात, ये तालु हो जाएगा। और जो ऊ है, ऊ कैसा हो जाएगा? ऊ ओष्ठ्य वर्ण है। ऊ कैसा हो जाएगा? ओष्ठ्य, चाहे हसु ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, ये ओष्ठ्य होते हैं। ई तालु होता है, बड़ी ई भी तालु है, चाहे छोटी ऊ चाहे बड़ी ऊ ई हो, तालु वर्ण होते हैं। और ए कंठ्य होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 25 हो गया, 26वां। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? पंचमाक्षर पूछ रहा है कि पंचमाक्षर वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे? पांच होती है। पंचमाक्षर वर्णों की संख्या कितनी होती है? पांच होती है पंचमाक्षर की। देखो पंचमाक्षर वर्ण कौन कौन से हैं? पंचमाक्षर वर्ण होते हैं भैया, ध्यान देना, पांच होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, उनमें जो अंत में पांच है, हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो पंचमाक्षर कहलाता है। पंचमाक्षर को नासिक्य वर्ण के रूप में भी जानते हैं, नासिक्य, या एक और नाम से जानते हैं अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। कौन से होते हैं जी? एक तो अंगा होता है कै वर्ग वाला, एक इया होता है चै वर्ग वाला, एक अण होता है टै वर्ग वाला, इसके बाद न होता है तय वर्ग वाला, तैसे तेथे न, और उसके बाद मैं होता है पै वर्ग वाला, पै फे भे मैं। तो इस प्रकार से ये पांच होते हैं। क्या होते हैं ये पांच? ये पांच नासिक्य या पंचमाक्षर वर्ण होते हैं, याद रहेगी बात, कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी ई बड़ी ई दे रखा है, चै छ जय जह दे रखा है, इया दे रखा है, आदि का उच्चारण किससे होता है? यानी कि इन सबके उच्चारण स्थान पूछ रहा है, सभी वर्णों के आठ वर्ण दिए हुए, पांच दो सात वर्ण दिए हुए, इनका उच्चारण स्थान पूछ रहा है क्या है। तो क्या होता है इनका उच्चारण स्थान? तालव्य से होता है, या कह देना तालु से होता है। देखो जो कंठ्य से किस किस का हो जाएगा? जो कै वर्ग वाले हैं, कै वर्ग वाले सभी कंठ्य हैं, हास्व या दीर्घ ए कंठ्य है, विसर्ग भी कंठ्य है, और है वर्ण भी कंठ्य है। ये सारे क्या हो जाते हैं?
ये सारे कंठ्य वर्ण में आ जाएंगे। है वर्ग भी किस में आ जाएगा? कंठ्य में आ जाएगा। है वर्ग भी कंठ्य में आ जाएगा, ठीक है। और तालव्य में, तालव्य में छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य वर्ण और स वर्ण, ये किस में आ जाएंगे? तालव्य में आ जाएंगे। मूर्धन्य की अगर बात करें तो मूर्ध में क्या आ जाएंगे? ट वर्ग वाले, ट वर्ग, री वर्ण आ जाएगा और र आ जाएगा और स आ जाएगा, ये किस में आ जाएंगे? मूर्धन्य में। अगर ओष्ठ्य की बात करें तो ओष्ठ्य किस में आ जाएगा? ओष्ठ्य में आ जाएंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पैवर, ये सारे किस में आ जाएंगे? ओष्ठ्य में आ जाएंगे, याद रहेगी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य पूछ रहा है, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए कंठ का भी प्रयोग होता है और तालु का भी प्रयोग होता है, तो कौन से हो जाएंगे? कंठ तालु ए आई, क्योंकि जिनके उच्चारण के लिए कंठ का प्रयोग होता है और जीव तालु पर भी टच करती है, तो ए आई कंठ तालु हो जाएंगे, याद रहेगी बात। अगर ऊ का पूछता है तो अभी मैंने तुम्हें बताया ऊ क्या हो जाएंगे? ओष्ठ्य वर्ण हो जाएंगे, ऊ ओष्ठ्य वर्ण हो जाएगा। और इसमें जो स है ये क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, ये मूर्धा वर्ण हो जाएगा। और उसके बाद जो ए है ये क्या हो जाएंगे? कंठ्य वर्ण हो जाएंगे, कंठ्य। और र किस में आ जाएगा? र वर्ण। र किस में आ जाएगा? देखो मैंने तुम्हें अभी बताया था र किस में आ जाएगा? मूर्धा में, मुरे भी मूर्धा में आ जाएगा। रीटू रसनाम, इसके लिए एक सूत्र होता है रीटू रसनाम, तो र भी किस में आ जाएगा? मूर्धा में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है जो मूल स्वर होता है मात्राओं के आधार पर। री ध्वनि क्या है? क्या व्यंजन है, अर्धस्वर है, संयुक्त व्यंजन है? तो ये स्वर के अंतर्गत आता है। जो हसु स्वर होता है री, तो स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। अर्धस्वर क्या होते हैं? ये, ये और वे, ये और वे को अर्धस्वर माना गया भैया, याद रहेगा। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन मैं तुम्हें बता चुका पिछले क्वेश्चन में कौन से होते हैं। इसके बाद अगला है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्री, स्वर तंत्री का मतलब क्या है? जो मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था, तारत्व, तारत्व के आधार पर, तारत्व के आधार पर, या स्वर तंत्र, या स्वर तंत्रियों के आधार पर, तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्री या लिरिक्स, जो स्वर यंत्र होता है उसमें ये दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से? एक तो सघोष या घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। अब कितने होते हैं? दो होते हैं, याद रहेगी बात, दो होते हैं, सघोष या घोष वर्ण। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन थे हमारे और 30 के 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। डेली एक प्रैक्टिस सेट करते हैं 30 क्वेश्चन का और टॉपिक वाइज चल रहे हैं। वर्णमाला के एक प्रैक्टिस सेट और कर लेंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी एक और कर लेंगे, उसके बाद जो नए टॉपिक लेंगे कोई भी रस या समास या संधि, वाच्य, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, सभी टॉपिक से, समास से या संधि से, हर टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, हर टॉपिक के इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट करेंगे टॉपिक वाइज। तो हर पहला वो टॉपिक आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कर लो और प्रैक्टिस सेट करने के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है उस पर भी ध्यान दो, ताकि उससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन हर उस एग्जाम में जिसमें हिंदी आने वाली है इनसे छूटने वाला नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार।